बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों, बहनों और दोस्तों को सबसे पहले जुमातुल मुबारक कहता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाकर हम सब को अपने अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमको कुरान करीम की अजीम नेमत से नवाजा है, हमें उसे पढ़ने और उसमें गौरव फिक्र करने का हुक्म दिया है। हम जितना उसमें गौरव फिक्र करेंगे अल्लाह ताला का, उतना ही हमें कुर्ब हासिल होगा। कुरान करीम की तिलावत से ज्यादा किसी भी चीज से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता। ये बात आप हमेशा याद रखें। अल्लाह ताला के जाती और सिफाती नामों पर गौरव फिक्र करने से भी उसकी मोहब्बत पैदा होती है। जिसने उसके जाती सिफाती नामों के बारे में मार्फत हासिल कर ली, गोया के उसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो गई। तो आज मैं आप लोगों को जुमातुल मुबारक के हवाले से कुरान पाक की जिस सूरत के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस सूरत को जो भी शख्स पढ़ता है, अल्लाह पाक भी उस शख्स से बड़ी मोहब्बत करता है, उस बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है, और अल्लाह का नबी प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस बंदे से, उस आदमी से, उस शख्स से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। तो जुम्मे के दिन अगर आप लोग सिर्फ एक मर्तबा इस सूरा को पढ़कर अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांगकर अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अपने किसी भी मकसद के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी हाजत के लिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक का जवाब जरूर आएगा और जो अल्लाह पाक से मांगेंगे अल्लाह पाक आपको वो जरूर अता फरमाएंगे। दोस्तों, कुरान पाक की वो सूरा मुबारक है जिसका नंबर 18 नंबर है। 18 नंबर की ये कुरान पाक की सूरा मुबारक है जो कि सूरतुल कहफ के नाम से मशहूर है। सूरा कहफ एक ऐसी सूरत है कि जिसको जुम्मे के दिन पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई है। अल्लाह के नबी ने भी इसकी बहुत फजीलत बयान की है। जुम्मे के दिन जो शख्स इसको पढ़ लिया करे, इंशाल्लाह वो अल्लाह पाक के जिस चीज की तलब करेगा, जिस चीज की ख्वाहिश रखेगा, अल्लाह पाक उसे जरूर अता फरमा देंगे। मेरी आप तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों, बहनों, भाइयों से गुजारिश है कि जुम्मे के दिन खुदारा थोड़ा सा वक्त निकाल कर कुरान की इस सूरा कहफ की तिलावत जरूर कर लिया करें। कुरान पाक की ये 18 नंबर सूरत है, इसकी तिलावत जरूर कर लिया करें। इंशाल्लाह आपको अपने हर मकसद में कामयाबी मिल जाएगी, अल्लाह पाक की मोहब्बत हासिल होगी, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हासिल होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने जुमा के दिन सूरा कहफ की तिलावत की, क्यामत के दिन उसके कदमों तले से रोशनी फूटेगी जो आसमान की बुलंदी तक चली जाएगी और उस शख्स को क्यामत के अंधेरों में रोशन कर देगी। फिर आपने फरमाया, जो शख्स सूरा कहफ की सिर्फ 10 आयात हिफ्ज कर ले उसे दज्जाल कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और जो शख्स इस सूरा की आखिरी आयात हिफ्ज कर लेगा रोजे क्यामत ये उसके लिए रोशनी बन जाएंगी। दोस्तों, कुरान पाक की ये सूरत जिससे दज्जाल भी नुकसान ना पहुंचा सके और क्यामत के दिन आपके लिए रोशनी बन जाए, तो सोचें क्या वो दुनिया में रहते हुए हमारे लिए फायदा नहीं पहुंचा सकेगी। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जुमा के दिन इस सूरत को खुद भी पढ़ें, खुद भी इसकी तिलावत करें और अपने दूसरे बहन भाइयों को भी बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।